हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई गाइस आपके सबके प्यार के साथ। तो बस जस्ट मैं अभी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ और रौनक भी स्कूल जा चुका है। उसका भी काफ़ी मतलब बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं तो रेगुलर डे भी स्कूल जाएगा, क्योंकि छुट्टी वगैरह का उसका सीन है नहीं। बाकी मुझे बोल रहा था मम्मी छुट्टी कराओ छुट्टी कराओ, मैंने बोला नहीं अभी कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि वैसे उसकी 10th क्लास है तो वो छुट्टी वाला रिस्क हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको जस्ट स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद मैंने अपना काम करा है गाइस, और आज मैंने सब्जी रोटी में बनाई है क्योंकि रात की मेरी दाल बनी हुई थी। सुबह मैंने चावल बना लिए और रोनो को बना के दिया मैंने पनीर का पराठा, और बस वो स्कूल चला गया है। मैं भी जस्ट थोड़ी सी देर में निकलने वाली हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। रौनक की गाइस हो रही है आज कटिंग, और बहुत दिन से इसने करवा नहीं रखी थी, तो उसने बोला मम्मी करवा दो आज मेरी। तो अंकल है, इनकी शॉप बंद हो रही थी बड़े दिनों से, तो कह रहे मुझे यहीं से करानी है, तो फिर आज खुली गई बाई चांस। रौनक सही लग रही है कटिंग, तो बस अभी कटिंग हो जाएगी उसके बाद घर जाएंगे गाइस। तो अच्छा लग रहा है। बस मैं आपको आज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं करा कर आया हूँ कटिंग। बड़े दिन से मैंने कटिंग नहीं करवाई थी, बाल एकदम लंबे हो गए थे, फिर यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ पे भी बाल आ रखे थे। तो फिर मैंने जहाँ से मैं कटिंग करवाता हूँ ना, वो भी दुकान खुली नहीं थी, पता नहीं क्यों इतने दिन से खुली नहीं थी। मतलब 5-6 दिन में लगातार चक्कर लगा के आए मम्मी और मैं, जैसे आपको ब्लॉग में भी दिखाया था कि दुकान बंद होगी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जहाँ से मैं कटिंग करवाता ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको टाइफाइड हो गया था, तो इस कारण उन्होंने दुकान बंद कर रखी थी, इसलिए मेरी कटिंग नहीं हो पा रही थी। और किसी जगह से मेरे को करवाने का मन भी नहीं था क्योंकि वो अच्छी काट देते हैं, उनको पता नहीं कि मैं बचपन से उनके पास ही कटवा रहा हूँ बाल, तो उनको पता है कि मेरी सेटिंग क्या है बालों की, इसलिए मैं उन्हीं के पास गया था। तो हाँ, अब मेरे बाल एकदम ठीक हो गए, एकदम बढ़िया लग रहा हूँ मैं। पहले अजीब सा लग रहा था, लंबे लंबे बाल तो गंदा सा लग रहा था, लेकिन अब एकदम फ्रेश फील हो रहा है। तो गाइस, पूछी खड़ी अपने मालिक इंतज़ार में, बेचारी दुखी आत्मा दरवाजे के वहाँ पर देख रही है कि कोई इसका मालिक आएगा, कोई इसको इसकी पुकार सुनेगा। क्या हुआ तुम है नहीं घर पे, इसलिए परेशान है तू, दरवाजे की तरफ देख रही इतनी देर से, इधर ही बैठी हुई है ऐसे। मैं आया था, इसका स्टैचू ही नहीं है, स्टैचू कोई ऐसे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा मैं, देर को अटैक नहीं कर रहा, तू करती है मुझ पर अटैक। याद कर रही है, याद ये बड़े पापा तो है वैसे घर पर, कोई ना ललतम मामा की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको, हमारे कमरे में आ जाए ठीक है। गाइस ये देखो पूछी गोगो का चूहा, इसको चूहा पसंद है ना, पूछी चूहा, इसको असली चूहे पसंद है, ये सॉफ्ट वाले टेडी वाले नहीं पसंद, असली वाले चूहे पकड़ती है ये। ये क्या मतलब है मुझे पहले ये बता दे यार, मैं वो आप क्या तेरे कपड़े प्रेस करूं, ये करूं, इसको फेंकने का क्या मतलब, इसको टांग नहीं सकता पीछे की तरफ पे? यार आते ना थोड़े से फिर वो आलस आलस हो जाता है। ठीक है, आप तो नहीं कर सकता, आई एग्री ठीक है, और बाद में तो कर सकते कि नहीं कर सकता। नहीं मैं यहाँ पे टांगने की सोच, तो फिर आप कहते हैं यहाँ पे इतने सारे टांग दिए, मैं समझ नहीं आता ना अलमारी में सॉरी मैं जहाँ भी करते हो ना परेशानी होती है आपको, मैंने यहाँ पे टांगूंगा यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ पे इतने सारे कपड़े टांग दिए, चलो मैं वहाँ पे टांगूंगा, वहाँ पे मेरे को दिक्कत हो जाती है तो सारे कपड़े गिर जाते हैं, इलट पुलट हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है आपको, तो मैं सोचा इधर ही रहने देता हूँ आपको। नहीं मैं टाई वाई तो रख देती हूँ, पैंट को कम से कम प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, और शर्ट तो दूसरी पहनेगा, वॉश कर मैं वॉश करके रखी हुई है तो वो दूसरी पहनेगा, तो कम से कम अपने चीजों का ध्यान तो रखना है। किस क्या मतलब है इसका, सॉरी हूं कमरे में तेरे तो छोटा था ना, तो बिल्कुल खिलारा नहीं मिलता था कमरे में। अरे वो बात नहीं है, अब मैं समझ नहीं आ रहा था, फिर आप कहोगे ना कि ये कपड़े गिरा दिए, वो कपड़े गिरा दिए, अलमारी के अंदर वैसे इतने सारा ढेर पड़ा होता है, अलमारी के अंदर ढेर ही है, माउंट एवरेस्ट लगा रखा है अपने, मैं क्या कर सकता हूं, होता ही है वो तो, वही तभी कोई ना, सॉक्स भी देख वहीं पे रखी हुई है। अरे ये तो वही है ना कि टाई तो रखी है मैंने, टाई तो इसलिए रखता है क्योंकि टाई इधर उधर होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर दिन मिलेगी तो उसको दो छुट्टी मार लेगा ना, ऐसे कब किया मैंने, कर सकता है क्योंकि अभी तक घूमी नहीं है ना, टाई भी घूमी नहीं है, ऊपर से ये मैं प्लेट ना पता क्यों रख के आई थी, इसको प्लेट को खोल के दिखा गई, हाँ इसके अंदर पड़ा है गुड डे, लेकिन मेरा बैड डे चल रहा है पता नहीं क्यों। नहीं गाइस, अमन भैया सुबह मंदिर गए थे, प्रसाद देकर गए थे, वो एक ही बिस्किट का पैकेट था, एक छोटा सा खट्टा मीठा नमकीन का पैकेट था, और साथ में एक छोटा सा बर्फी का पीस था, तो वो मंदिर गए थे प्रसाद लेके गए थे, मैंने मिठाई भी लेके चली गई थी वहाँ पर, कि चलो सबके थोड़े थोड़े मुँह लग जाएगी, और मैंने सोचा कि बिस्किट ये खा लेगा स्कूल से आएगा कुछ खा लेगा, तो और जो नमकीन का छोटा सा पैकेट है मैं वो भी लेके थी कि प्रसाद है सब में बढ़ जाएगा तो खा लेंगे,
वो बिस्कुट ऐसे का वैसा पड़ा है, इसने हाथ तक नहीं लगाया। नहीं मैंने देखा था, देखने से क्या होगा, खाना भी तो था ना यार। मैं क्या कुछ बोल भी नहीं सकता कि ये हो गया था वो हो गया था, सच्ची है ना, क्योंकि सच्ची कह रहा हूँ मैं, और थक गया था ना इसलिए। सॉरी। अरे यार ये एक तो कंप्यूटर का काम इतना है, आपको कहा था ना वो 200 पेजेस वाला, मेरे स्कूल का समझ में नहीं आता, लिखने वाला काम करते हैं, पढ़ने वाला काम करते नहीं है बच्चे, तो वो देते हैं लिखने वाला, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो 200 से ना 75 नहीं नहीं रहने दो रहने दो, तो बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ महान वो हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ मैं। हाँ नहीं तो फैसला करेंगे हम, फैसला किस बात का फैसला, काम नहीं मिलना चाहिए स्कूल में बच्चों को, पढ़ाई करने वाला सिर्फ लर्न करने वाला मिलना चाहिए, रिटर्न वर्क तो मिलना ही नहीं चाहिए स्कूल में, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं आप ये कहना चाहते हो ना, आप ये कहना चाहते हो ना, हम स्कूल में अपना काम खत्म करके घर पे आते थे कि घर आके पढ़ना ना पड़े, तो हम भी वही कोशिश करते हैं, लेकिन और एक पीरियड ऐसा मिलता था ना कि खाली पीरियड, शुक्र है खाली पीरियड होगा, पढ़ो से काम खत्म कर लो, अब चल मेरे से थोड़ा सा काम करा दे, पढ़ाई तो कर ली है ना तुमने, थोड़ा सा भी बचता है काम, लेकिन काम करके थोड़ी सी मेरी हेल्प करा, ठीक है। झटका मारती है, भागती है मेरे से, भाग जाती है ये आजकल मेरे से, भागी भागी लेट गई, लेट गई, मेरे पास नहीं आती ये लड़की, ये लड़की क्या करती है, ये लड़की है अल्लाह है रे अल्लाह, ये लड़की है अल्लाह, हाय हाय रे, ओ उसके तो नखरेबाज कोको, ओ माय गॉड, माय गॉड, इतने नखरे दिखा रही है तू, हैं कोको शर्म नहीं आती तेरे को, क्या ये क्या है, अभी देखो बता क्या ये, क्या ये, मेरा हाथ जल गया, अच्छा आपने काटा, चल गया आप, मैं अब इसको कहते हैं आपने काटा, कोको मैं आज काट दिया मेरा हाथ, कैसे जल गया हाथ, हाथ जल गया मेरा, कैसे जल गया वही पूछ रहा हूँ मैं, लाल लाल वही दिख रहे हैं, तवा लग गया, तवा लग गया, अब हाथ ऐसे वो कर रहे थे कि टेम्परेचर ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या था, ऐसे टिक, इसको देख दो इरिंग को, क्या हुआ, क्या देख रही है महारानी, आना है जरा देर लगेगी, मसाज ले रही है, मैं कभी कभी ऐसे सिर में हाथ फेरता हूँ ना, ये मदहोश हो जाती है, ये मदहोश हो जाती है, कहती है वापस, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है कोको, बस शांत, चमक छल्लो सोने दो, सोने दो बेचारी, मम्मा इसको मत करो यार, इतना परेशान, चित्रगुप्त देख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, परेशान कर रहे बेचारे जानवर को, चित्रगुप्त नोटिस कर रहे होंगे मुझको, और कोको तेरी वजह से हमें मार पड़ेगी, श्राप लगेगा, चित्रगुप्त देख रहे, आप तो देख रहे, अब तो समझ जा, चित्रगुप्त बोले परेशान कर रहे जानवर को, कैसे देख रही है मासूमियत, मासूमियत देखो, मत सुलाओ, जो बुरी चीजें होती है ना 2 सेकंड के अंदर, अभी मैंने उनको सुनाई देती, ये क्या कुछ बोला है प्रभु, कुछ बोला प्रभु, कुछ बोला, फटाफट से नोट डाउन करो, अभी कुछ बोला, अभी अभी कुछ बोला, इनका खत्म हो गया, कोई ना रक्त से लिख देंगे हम, लेकिन लिखेंगे जरूर, भविष्यवाणी हम करेंगे जाके, अरे भाई भविष्यवाणी कर रखी पहले से, एक अच्छा कर्म कर दे वो नहीं नोट डाउन होगा, इनने कुछ किया क्या प्रभु, हाँ। हमें तो नहीं लगता। वो जो देखे थे मूवी, तो नहीं वो जो किताब गिर जाती है कादिर खान वाली, हाँ, वो चित्रगुप्त लेने के लिए आते नीचे, बेचारे मजा आ गया था वैसे मूवी देखे ना, वो साउथ की है ना, आपको वैसी साउथ की मूवीज पसंद है, वो तो जगह बैठ गया, पैर मारते जमीन पे सारे गुंडे गिर जाते, तभी तो मेरे को अच्छी लगती है, वो इधर से मुक्का ऐसे दिखाता है, वो बहुत जगह जो विलन वहां जाके गिरता है, उसके जो साइड के होते हैं वो भी उड़ रहे होते हैं, पता नहीं कौन से देश पहुंच जाते हैं, तभी करके इससे क्या बुरे कर्म किए, इसको ऊपर लटका रखा है, इसके बुरे कर्म लिखे गए थे बेचारे के, इसके अच्छे नहीं लिखे थे भगवान, कैसे देख रहा बेचारा, मजबूरी मजबूरी, कोको तो कभी इसको कुछ भोंकती नहीं है कभी कभी, कोको बोलते मंकी, मंकी आ गया, मंकी मंकी इसको समझ नहीं आता, कोको चूहा, कोको चूहा, चूहा ऊपर बैठा, कोको ये ले ये ले ये ले, देखो ये ले सुनाई देता है इसको, ऐसा रहेंगे चित्रगुप्त हमारी बातें सुन रहा होगा और वो नोटिस कर रहे होंगे, एक एक बात को नोटिस कर रहा होगा, ऐसे डीपली लिखे है ना, ऐसे डिटेल में, पूछ ही मत, सही बात, मार पड़ेगी ना, कोड़ों से मार पड़ेगी हमें,
जा 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 तू ऐश जा। अरे चिंटा को खाने दे रहे ना इसलिए। चिंटे भागो 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 भागो। चिंटा का खाना क्या? चिंटा का खाना मम्मा अबे बैंगन क्यों खा रहे हो? भिंडी कहने लगा था। हाँ भिंडी है। हाँ भिंडी लेके आया था स्वामी। तो भिंडी लेके आया था तू घर तरफ। हाँ तो बैंगन क्यों खा रहे हो? दाल नहीं पड़ी हुई? पड़ी है तो खा लो। मैं मत नहीं दाल दाल वो फिर भी फ्रेश है। ये थोड़ी है कोई बात नहीं। पानी लगे इसको जमाना हो गया। टेस्टी लगता है। पता कितनी मेहनत से बनता है भरता। मैं कौन सी मेहनत है? गैस पर के आगे साड़ने के लिए रख दिया। चलता रहा। ये कौन सी मेहनत है उसमें? हाँ भूनने के बाद छिलना नहीं पड़ता। कितनी देर तक माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है कि इसमें कुछ है तो नहीं। कीड़ा वीड़ा बीज अलग करने पड़ते हैं। कीड़ा वीड़ा क्या जल के राख हो गया होगा वो तो। उसके बाद सोच एक बार चेक कर लो क्या निकल जाए। फिर उसके बाद उसको मसाला बनाने के लिए प्याज कट होते हैं क्योंकि भरता जब बनता है हमेशा मसाले की उस पे बनता है ना क्योंकि भरता तो इतना था। तीन प्याज भरता से इतना सा निकला था क्योंकि उसमें 20 सारे अलग हो गए थे। अच्छा तो मेन चीज का जो रहता है ना तो वो प्याज और टमाटर ही होता है। उसके भी आप भी बनता है भरता हमेशा वरना ऐसे टाइम पास है। टमाटर टमाटर एक हिसाब से आता है। अच्छा तब भिंडी बनाओगे आप कल। पनीर क्यों नहीं? पनीर लाया हुआ है। पनीर बाद में खाने ना रात को खाने को भिंडी खराब हो जाएगी बड़ी बड़ी। पनीर क्यों नहीं बन रहा यार? पड़ा तो हुआ है कोई ना भिंडी को। पनीर खराब हो गया तो भिंडी पनीर फट गया वापस तो। पानी में बड़ा बड़ा फट गया। नहीं नहीं उसको कुछ नहीं होगा तो फिर दे देना मतलब पनीर इसको खराब होने के लिए मत छोड़ना। चलो फिर बढ़िया ठीक। ऐसे सिंपल चावल नहीं खाना। अच्छा अच्छा तो भैया किसके साथ खाएंगे? उनकी बड़ी है सब चीज़ जो सुबह बनाई थी दाल। अच्छा दाल बड़ी है वो फिर खाएंगे। रोज चावल ले लें ठीक है। और जीना भी चावल खा लेगी? हाँ जीना भी चावल खाएगी। अच्छा जीना ये तो बना रही है। अच्छा मैं तो जीना का ही है। अच्छा अच्छा कन्नू ले गया था रोटी? हाँ कन्नू रोटी ले गया। कन्नू चावल नहीं। एक मिनट चलिए क्या कर रहा है? अबे कंघी करते थे 24 घंटे लड़का पूछी। अच्छा हाँ क्या कह रहे थे? चीना के लिए चावल बना रहे हो? अच्छा नाम चीना का लगाओगे है? अच्छा तो क्या कहते हैं उसको? मैं एक बात पूछने लगी थी आपसे। दिमाग से निकल गए एकदम से मेरे। याद आएगा फिर पूछते हो आगे ठीक है। चलो कर लो आपका। गुड नाइट गाइस। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यहीं पर करते हैं। कल मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है गाइस उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमें फॉलो नहीं करा गाइस हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन होने के नाम से प्लीज जाकर हमें फॉलो कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टेक केयर बाय।